नमस्कार दोस्तों, रे एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग विशेषाधिकार पर चर्चा करेंगे। विशेषाधिकार का तात्पर्य है कि संसदीय विशेषाधिकार। अब सबसे पहले हम संसदीय विशेषाधिकार को समझने के पूर्व में जो है विशेषाधिकार को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार में एक शब्द पहले तो प्रयोग में आता है, विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी विशिष्ट स्थिति, सुविधा और अवसर जो अन्य की अपेक्षा कुछ लोगों को प्राप्त होता है, उसे ही विशेषाधिकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार का, तो इसका तात्पर्य यह है कि संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो सामान्यतया अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया है कि भारत में सभी लोगों को समान समझा जाता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता की बात कही जाती है, लेकिन भारत में संसद की गरिमा तथा संसदीय सदस्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए विशेष रूप से कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन्हीं सुविधाओं को ही संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके की संसदीय व्यवस्था की बात कही गई है। आर्टिकल 105 के अंतर्गत और आर्टिकल 194 के अंतर्गत और आर्टिकल 361 के अंतर्गत जो है वो विशेषाधिकार की बात करता है। ये जो है दोनों संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय अब ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए होता है, ये संसद के सदस्यों के लिए होता है, और ये जो है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति योम जो है राज्यपाल के लिए जो है होता है। ये दोनों महामहिम हैं, इन दोनों के लिए भी जो है कुछ विशेषताएं हैं कि इंटर ऑफ ऑफिस पद पर रहने के दौरान इनको जो है कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष प्रकार की उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। 105 के अंतर्गत जो है वो संसद के लिए है व्यवस्था, और 194 के अंतर्गत जो है राज्य विधान मंडल के लिए है व्यवस्था, और 361 के लिए हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं और सुविधाएं दी गई हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार की जो है सुविधाएं और व्यवस्था इनको दिया गया है। अब इसमें जो है दो प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं, एक सामूहिक होता है और एक जो है व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है और व्यक्तिगत, दोनों ही प्रकार की बातें कही गई हैं। सामूहिक से तात्पर्य यह होता है कि ऐसी सुविधाएं जो संसद के सदस्य होने के कारण से समूह में सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, वहीं पर व्यक्तिगत का तात्पर्य यह है कि किसी संसद के व्यक्ति विशेष यानी संसद के सदस्य के लिए जो है व्यक्तिक स्तर पर जो है कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। अब हम सामूहिक में अगर देखने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि सदन की कार्यवाही के दौरान उस विषय की महत्ता, गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए संसद के पास ये शक्ति होती है कि वह दर्शकों की जो है संख्या को नियंत्रित करे या उन्हें जो है कार्यक्रम में उपस्थित होने से निषिद्ध कर दे। तो ये जो है बाहरी लोगों के लिए जो है बनाई गई है कि बाहरी लोगों पर वो नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि संसद के सदस्यों की अगर अति गोपनीयता है या कुछ ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित हैं तो उनके प्रकाशन पर भी जो है यहाँ रोक लगाई जा सकती है कि उसे जो है मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से उन बातों को पब्लिक में जाने से जो रोका जा सकता है। तीसरी बात यह है कि अपने आंतरिक मामलों को ये स्वयं जो है निस्तारित करते हैं और इस तरीके से न्यायालय में जो है उन्हीं बातों को जाने पर ये जो है निषिद्ध कर सकते हैं, न्यायालय की बातों में उसको न्यायालय के स्तर पर उसे निषिद्ध किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो सामूहिक रूप से संसद के लिए जो है बनाई गई है, और ये सामूहिक जो है विशेषाधिकार होता है, क्योंकि संसद जो है लोकतंत्र की एक मंदिर है और ऐसे ही जो लोकतांत्रिक जो है संगठनों की विशेषताओं को उनके कार्य के जो है निर्बाध रूप से करने के जो है शर्तों को पूरा करने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई। यद्यपि इसका कोई भी उद्देश्य भारतीय संविधान में समानता के जो है
नियम समानता के प्रावधान का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट स्थिति इसलिए बनाया जाना है ताकि यह संस्था अपने जो है गरिमा को बनाए रखते हुए अपने दायित्वों का वह निर्वहन कर सके। तो इस आधार पर यह जो है सामूहिक रूप से जो है बातें कही गई हैं। अब हम वैयक्तिक रूप से जो है देखते हैं कि वैयक्तिक रूप से क्या सुविधाएं जो है प्राप्त हुई हैं। इसमें यह कहा गया है कि संसद के सत्र चलने के दौरान या उसके 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक जो है मंत्री को जो है या संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखना। लेकिन यह बात है कि यह व्यवस्था जो है सिविल जो है अपराधों के संदर्भ में है, आपराधिक मामले और निवारक निरोध से संबंधित मामलों में जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 22 में उल्लिखित है, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के संलिप्त होने की स्थिति में उसको छूट नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये सुविधाएं जो है वो सिविल मामलों में दी गई है। दूसरी है यह है कि किसी भी विशिष्ट मामले में अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में हाजिर होने से इन्हें छूट प्रदान किया गया है जब तक कि सदन की पूर्व में अनुमति न ली जाए। तो यानी कि जो है हाजिर होने से भी जो है इनको छूट जो है दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इनके द्वारा सदन की कार्यवाही के दौरान जो भी अपने दायित्व के निर्वहन में बात कही जाती है, जो भी बोला जाता है, जो लिखित रूप में या मौखिक रूप में कहा जाता है, उसके लिए जो है इन्हें कोर्ट में जो है किसी भी तरीके से उत्तरदायी ठहराया नहीं जाएगा, यानी कि जो है वाक स्वातंत्र की बात यहां पर कही जाती है। वाक स्वातंत्र की बात यहां पर कही जाती है। तो गिरफ्तारी से हो गया और इसमें जो है 40 दिन की बात कही गई है, सिविल मामलों में ही छूट है हाजिर हुआ की। अब यहां पे थोड़ा सा अगर हम देखें राष्ट्रपति के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वो यहां पे जैसे 40 दिन है वहां पर जो है वहां पर 2 माह पूर्व की नोटिस की बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से यहां सिविल मामलों में जो है ये छूट दिया गया है लेकिन आपराधिक मामलों में नहीं, वहां पर क्या है, वहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है या राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है वो किसी भी तरीके के आपराधिक मामलों में कार्रवाई नहीं हो सकती है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी पद पर रहने के दौरान जो है किसी भी प्रकार के आपराधिक जो है मामलों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। और इसी में कहा गया गिरफ्तारी के बाद, लेकिन सिविल मामलों में वहां पर देखिए यहां से थोड़ा सा विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। यहां पे सिविल मामलों में कहा गया है कि सिविल मामलों में कार्रवाई हो सकती है लेकिन वहां पे 2 माह की जो है पूर्व नोटिस के बाद किया जाएगा, लेकिन यहां पे क्या किया जा सकता है, यहां पे सिविल मामलों में छूट दे दिया गया लेकिन आपराधिक मामलों में छूट नहीं। वहां पर कहा गया कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब आपराधिक मामलों में कोई कार्यवाही आगे नहीं होगी लेकिन सिविल मामलों में हो सकती है यदि 2 महीने पूर्व में उसकी नोटिस दिया जाए। तो ये बातें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये जब हम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार, लेकिन जो है ये विशेषाधिकार के अंतर्गत भी आती है। तो यहां पर जो विशेषाधिकार की बात कही गई है वो बेसिकली वो व्यक्ति विशेष के पद के अनुसार, वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, यहां पे ध्यान में रखना है किसी व्यक्ति को ना देकर के उस पद को दिया जाता है, क्योंकि उस पद की जो है महत्ता गरिमा और संवेदनशील दायित्वों के जो है निर्वहन में निर्बाध रूप से काम करने के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं विशेषाधिकार। और इसी में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को आर्टिकल 361 और 105(94) के अंतर्गत जो है वो संसदीय विशेषाधिकार क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिया गया है। यहाँ पर यह भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या मंत्री जी, अभी तो हमने संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा, अब दूसरा यह है कि क्या मंत्री को जो है वो तो सरकार में होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका होता है, क्या उसका गिरफ्तार उसको नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी मंत्री जो है तभी कार्यपालिका में जो है या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है जबकि वह जो है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो, और यदि नहीं भी होता है तो 6 माह के अंतर्गत उसको सदस्यता ग्रहण करनी ही करनी होती है, अन्यथा जो है वो अपने पद पर नहीं रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री होता भी है तो भी जो है, मंत्री यदि है फिर भी जो है उसको
संसद के जो है सभी अधिकार प्राप्त होते हैं उस पर भी जो है संसदीय विशेषाधिकार के नियम लागू होते हैं, यानी कि वह उन भी उन मुक्तियों को प्राप्त करता है, लेकिन उन शर्तों के अधीन जिस तरीके से जो है इनमें जो है शर्त दिए गए हैं कि वह जो सिविल मामलों में छूट है, आपराधिक मामलों में नहीं है, 40 दिन पूर्व 40 दिन बाद की व्यवस्थाएं और नियम लागू होते हैं, अर्थात यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जबकि देश के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में गिरफ्तार किया भी जा सकता है। इस बात का जो है वर्णन और आज के इस लेक्चर में संक्षिप्त रूप से हम चर्चा अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जो है गिरफ्तारी के संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद कई तरीके की संवैधानिक जो है बहस और स्थितियां जो उत्पन्न हो गई थी, तो क्या इस पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कुछ लोगों की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे कि यह संविधान का उल्लंघन किया जा रहा था, फिलहाल जो भी बातें रही हों, लेकिन इसी पृष्ठभूमि में जो है उनकी गिरफ्तारी जो है हुई थी और बाद में उन्हें कोर्ट से रिहा भी जो है किया गया, कोर्ट से जो है उन्हें इस तरीके के बेल प्राप्त हो गए। तो ये जो है व्यवस्था थी संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में। इतिहास में अगर हम लोग थोड़ा सा जाने का जो प्रयास करें तो इसके पूर्व में भी जो है दो मंत्रियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, उन मंत्रियों का नाम टी आर बालू है और दूसरे जो है वो मुरासोली मारन को जो है गिरफ्तार किया गया है, और ये मंत्री थे किन उद्योग मंत्री थे और ये जो है पर्यावरण मंत्री थे, और जो है इस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी होने के बाद ये तीसरे जो है मंत्री है जिन्हें उनके पद पर रहने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर जो प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार के साथ साथ मंत्री पद पर रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी और पूर्व में कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इनसे संबंधित बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप जो है संसद या मंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंस के स्तर पे भी टिप्पणी पूछी जाती है, प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ अनुच्छेदों का भी वर्णन किया गया, बेसिकली उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मिलान या इस तरीके से कूट से संबंधित सवालों को हम लोग हल कर सकें। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।